इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन और रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ रोटेशन ऑपरेशन विथ 180 डिग्री। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि यह 180 डिग्री के साथ एक रोटेशन ऑपरेशन है। इन रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में वस्तु का साइज कतई नहीं बदलता है, मतलब नहीं बदलता है। अब रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट। इफ वी वांट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसलेट द पॉइंट अबाउट विच वी वांट टू रोटेट टू द ओरिजिन। यदि हम किसी वस्तु या बिंदु को एक आर्बिट्री मनमाना पॉइंट के बारे में रोटेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस पॉइंट का ट्रांसलेट करते हैं जिसके बारे में हम मूल बिंदु पर घुमाना चाहते हैं। देन रोटेट पॉइंट और ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एट द एंड वी अगेन ट्रांसलेट इट टू द ओरिजिनल प्लेस। फिर मूल स्थान के बारे में बिंदु या वस्तु को घुमाए और अंत में हमें इसे फिर से ओरिजिन प्लेस पर ट्रांसलेट करते हैं। वी गेट रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट। हमें एक आर्बिट्री पॉइंट के बारे में रोटेशन मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, या कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।